हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 49,568 भर्ती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होने वाली है। जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे आपके क्वेश्चन का हम इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। जैसे कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम आपके लिए वही वीडियो प्रोवाइड करते हैं, सेपरेट वीडियो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिट्स हो, है ना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा देखिए क्या टॉपिक है कि बहुत सारे आपके कमेंट्स थे कि मान लो गर्ल्स की जो तो रनिंग है वो तो 28 को हो जाएगी, 28 दिसंबर को, ठीक है। क्योंकि समथिंग 10,000 प्लस लड़कियों को बुलाया गया है, ठीक है। मतलब कि 10,000 प्लस लड़कियों को जब दौड़ के लिए बुलाया गया है, तो आपके मन में अब ये भी चल रहा है क्या मतलब गर्ल्स की सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपके लिए शॉर्टलिस्ट जानना ज़रूरी है वो भी बताने वाले हैं, ठीक है। वो सबसे पहले हम बताते हैं। तो पहले तो आपके यही कमेंट्स हैं कि लड़कों की दौड़ कब तक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अभी यूपी में जो है 144 धारा लागू है, ठीक है। और वो क्यों लागू है आपको भी पता होगा, ठीक है। और देखिए, उसकी वजह से जो है आपका DBPST जो है वो अब जो है जिनका 19, 20, 21, 22 को था, अब उनका जो है 29, 30, 31 एंड 2 तारीख को होगा। तो इसके वजह से जो है आपकी थोड़ी रनिंग है तो थोड़ी देर से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब सारे लड़कों की जो है DBPST हो जाएगी उसके बाद ही आपकी भी रनिंग करा दी जाएगी। लेकिन कब तक करा दी जाएगी अब आपके मन में ये चल रहा है, तो आपकी रनिंग हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही करा दिया जाए। अगर फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकेंड वीक में 100% जो है वो आपकी रनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ ये बार बार कमेंट्स कर रही थी कि आखिर रनिंग की टाइमिंग क्या होगी और कितने शिफ्ट में होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि मतलब कि 11 डिस्ट्रिक्ट में जो है रनिंग करानी है, ठीक है। इसमें इस बार जो है आपका कानपुर नगर भी ऐड कर दिया गया है, पहले नहीं था लेकिन इस बार जो है ऐड कर दिया गया है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो रनिंग आपकी कानपुर नगर, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, सहारनपुर, ठीक है। तो इसमें आपकी रनिंग होनी है, ये आपके 11 डिस्ट्रिक्ट जो कि अभी आप देख सकते हो PSC मतलब कि PSC में और किसी को पुलिस लाइन में जो है बुलाया जाएगा आपकी दौड़ के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में ये है कि मतलब कि आपकी टाइमिंग क्या होगी, कितने शिफ्ट में आपकी दौड़ की जाएगी। तो फ्रेंड, जैसे कि अगर आपने वो मतलब जो आपके लिए PAT जो शेड्यूल जारी किया गया है उसी में भी आपका टाइम भी लिखा है, ठीक है। टाइम मतलब कि बहुत सारी लड़कियों का 8 बजे से, ठीक है, और बहुत सारी लड़कियों का दौड़ 1 बजे से किया जाएगा। मतलब कि 2 शिफ्टों में जो है वो आपकी दौड़ एक ही दिन में पूरी करा ली जाएगी, लगभग 10,000 प्लस लड़कियों की, ठीक है। उसके बाद से जो है उसके बाद से कन्फर्म है, ठीक है, उसी दिन पता चल जाएगा कि लड़कियों की सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। जी हाँ, हम आपको उसी दिन आपको बताएंगे जब दौड़ हो जाएगी तो, कि लड़कियों की सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस है कि नहीं है। क्योंकि अगर पिछली वाली भर्ती की बात करें 41,520 वाली की, ठीक है, तो उसमें तो मतलब कि लड़कियां जो है उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला, देन जो है वो दौड़ अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन इस बारी तो आपको टाइम भी मिला है, तो बहुत सारे लड़कियों का जो दौड़ है उनकी टाइमिंग है वो बहुत ही अच्छी है। तो हो सकता है कि इस बारी जो है इतनी मतलब कि आपकी दौड़ में फेल ना हो, और ये अच्छी भी बात है, ठीक है। तो आप देखिए, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए एक नोटिस जारी कर दी गई है दौड़ से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी मैं आपको शॉर्टली दिखा देती हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हो कि दौड़ को लेकर एक नोटिस जारी की गई है जो कि 21 दिसंबर, ठीक है, और इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आप दौड़ के लिए जाओगे तो आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी, कैसे क्या करना होगा, ठीक है। और यहाँ आपको मतलब टाइमिंग प्लस लड़कियों की प्लस बॉयज़ की दोनों दी है। और जैसे ही नीचे आप आओगे तो इसमें ये भी दिया गया है कि अगर आप टाइमिंग के बाद अगर आप दौड़ पूरी करते हो तो आपको जो है मतलब कि इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा। और देखिए यहाँ दिया है कि सीमित द्वारा मैनुअल टाइम प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं है, मतलब सीमित जो मैनुअल टाइम है उसे प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं है। सीसीटीवी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक्स का प्रयोग अर्थात पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेश परिवर्तन से बचने के लिए किया जाएगा। अगर आप दौड़ के लिए जाओगे तो पहले आपका बायोमेट्रिक्स होगा, जैसे कि आपका DBPHT में हुआ था, देन आपको दौड़ के मतलब दौड़ाया जाएगा। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी दी गई है, ठीक है। और देखिए इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों में संयुक्त हस्ताक्षर भी घोषित की जाएगी। और भी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस PDF को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप दौड़ के लिए जा रही हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं। और रही आपकी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की DBPHT में, तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है देते रहेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और रही सेकेंड लिस्ट की बात, तो फ्रेंड्स आपको 28 दिसंबर को पता चल जाएगा कि गर्ल्स की सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो बस आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने कल एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी लोग बोल रहे थे कि लिंक मतलब कहाँ से हम जो है अपना जो PAT का जो शेड्यूल है कहाँ से डाउनलोड करें लिस्ट। तो फ्रेंड्स हमने आपके हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जो है वो लिंक दिया था, तो वो उन्हें ही दिखा होगा जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट यूपी पुलिस से रिलेटेड आता है तो हम चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।